हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। रेलवे इंजीनियरिंग के 15th लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कोनिक ऑफ व्हील्स के बारे में। रेलवे इंजीनियर में रेल यूनिट का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिगार्डिंगली आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं, 2 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स के। तो इस कंसेप्ट को समझना भी जरूरी हो जाता है। इससे रिगार्डिंगली ही आपको आगे जो है मिलते जुलते कंसेप्ट आएंगे, जैसे कि टिल्टिंग ऑफ रेल सेक्टर। ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की इस वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं कोनिंग ऑफ व्हील्स के बारे में। कोनिंग ऑफ व्हील्स, सबसे पहले हम कोनिंग ऑफ व्हील्स के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग एन इनवर्स स्लोप ऑफ 1:20 टू द व्हील ट्रेड्स ऑफ द रोलिंग स्टॉक इज नोन एज ए कोनिंग ऑफ व्हील्स। जब हम रोलिंग स्टॉक के व्हील ट्रेड को 1:20 इनवर्स स्लोप प्रोवाइड करते हैं, तो उस मेथड या प्रोसेस को हम कहते हैं कोनिंग ऑफ व्हील्स। जैसे आप साइड में डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि ये हमारा है व्हील ट्रेड। व्हील ट्रेड में हमने 1:20 स्लोप प्रोवाइड की हुई है। नीचे आप देख सकते हो जहाँ पर कर्सर मैं पॉइंट कर रहा हूँ, जहाँ पर हमने स्लोप दी है 1:20 की। व्हील ट्रेड के साथ होता है हमारा व्हील फ्लैंज। व्हील फ्लैंज के सेंटर में जो आप लाइन देख रहे हो, इसे हम कहेंगे व्हील एक्सल। इस स्लोप को प्रोवाइड करने के प्रोसेस या मेथड को ही हम कहते हैं कोनिंग ऑफ व्हील्स। इट इज़ प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट द फ्लैंजेस ऑफ द व्हील्स फ्रॉम रबिंग ऑन द इनर एजेस ऑफ द रेल सेक्शन। कोनिंग ऑफ व्हील्स प्रोसेस हम इसलिए जो है परफॉर्म करते हैं, जब प्रोवाइड करते हैं, ताकि हमारे व्हील ट्रेड का जो व्हील फ्लैंज है वो रेल के इनर फेस के साथ रब ना करे। अगर वो इसके साथ रब करेगा तो हमारे रेल के इनर फेस को भी जो है नुकसान होगा और साथ में हमारा व्हील फ्लैंज भी जो है वो ख़राब होगा। द डिस्टेंस बिटवीन द इनसाइड एज ऑफ द फ्लैंज एंड द रेल सेक्शन इज केप्ड स्मॉलर देन द गोज ऑफ द ट्रैक। जो हमारा गोज होता है वो आपको पता है कि रेल्स का जो इनर डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं गोज। हम जो है अपने फ्लैंजेस का जो इनर डिस्टेंस होता है उसे गोज के साथ कम रखते हैं, ताकि जो फ्लैंज और रेल के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन हो। अगर ये डिस्टेंस मेंटेन नहीं होगा तो हमारे फ्लैंज जो है वो रेल के साथ जो है रब करेंगे, जिसके कारण हमारी रेल को भी नुकसान होगा और साथ में हमारे ट्रेड्स, जो व्हील के ट्रेड होते हैं, उसके फ्लैंज को भी नुकसान होगा। जहाँ पर आप नीचे फुल डायग्राम को देख सकते हो, ये क्रॉस सेक्शन है रेलवे ट्रैक का विद इन द व्हील ट्रेड ऑफ द रोलिंग स्टॉक, जहाँ पर हमने व्हील ट्रेड को 1:20 स्लो प्रोवाइड की है। ये हमारा व्हील एक्सल है, यहाँ पर है व्हील फ्लैंजेस और नीचे है गोज आपको दिखाया है, और गोज से आप देख सकते हो कम है व्हील फ्लैंज का जो डिस्टेंस है, और इसमें से थोड़ा सा देखिए आप यहाँ पर डिस्टेंस भी मेंटेन हो रहा है रेल के इनर एज के साथ और व्हील फ्लैंज के साथ। इसकी एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली एडवांटेज है इसकी, प्रिवेंट लेटरल मूवमेंट। जो लेटरल मूवमेंट होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारी रेल सेक्शन होता है, जो उसके जो लेंथ वाइज जो हमारी मूवमेंट होगी वो होगी लेटरल मूवमेंट, जहाँ पर आप लेटरल फोर्स देख सकते हो। जो हमारा रेल सेक्शन है वो ट्रेन हमारी जो है इसके अलोंग चलती है। अगर हमारी ट्रेन का व्हील इस तरफ जाएगा या उस तरफ जाएगा, उसे हम कहेंगे लेटरल मूवमेंट। इफ़ द ट्रेड ऑफ द व्हील केप्ड फ्लैट देयर विल बी लेटरल मूवमेंट ऑफ द व्हील एक्सल। अगर हम जो व्हील ट्रेड को बिल्कुल फ्लैट रखेंगे तो हमारा व्हील ट्रेड कुछ इस तरह से दिखाई देगा, और जो हमारा व्हील ट्रेड होगा वो लेटरल मूवमेंट की वजह से जो है रेल से नीचे जाने की कोशिश करेगा। लेकिन हम इसमें लेटरल मूवमेंट को रोकने के लिए ही इसमें जो है कोनिंग ऑफ व्हील्स करते हैं, इसमें स्लो प्रोवाइड करते हैं। इट डैमेजेस द फ्लैंजेस ऑफ द व्हील एंड द इनसाइड एज ऑफ द रेल। अगर हम उसे फ्लैट रखेंगे तो हमारा जो व्हील फ्लैंज होगा, जैसे कि यहाँ पर मैं फ्लैंज बना देता हूँ, जो व्हील फ्लैंज होगा वो भी रेल के साथ जो है रब करेगा, और साथ ही साथ हमारी रेल भी इसके साथ जो है ख़राब होगी। टू प्रिवेंट दिस लेटरल मूवमेंट ऑफ द व्हील कोनिंग ऑफ व्हील्स आर कंस्ट्रेंड। इस मूवमेंट को रोकने के लिए ही हम जो है इसे स्लो प्रोवाइड करते हैं, जो कोनिंग ऑफ व्हील्स करते हैं मूवमेंट को कम कर सके और जो है रेल को व्हील फ्लैंज के साथ भी रब करने से बचा सके। नेक्स्ट है सेकेंड एडवांटेज, रिड्यूस वेयर एंड टेयर। वही जो मैंने आपको पिछले डायग्राम में समझाया कि कोनिंग ऑफ व्हील प्रोवाइड डिस्टेंस बिटवीन द इनसाइड एज ऑफ द फ्लैंज एंड रनिंग फेस ऑफ द रेल, इट प्रिवेंट्स द वेयर एंड टेयर ऑफ द व्हील फ्लैंज एंड रेल। हमने पीछे देखा कि इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस हम प्रोवाइड करते हैं,
थोड़ी सी स्पेस प्रोवाइड करते हैं बिटवीन दी व्हील फ्लैंज और रेल के बीच में, जहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर इसमें जो है डिस्टेंस प्रोवाइड नहीं होगा, गैप प्रोवाइड नहीं होगा, तो हमारा व्हील फ्लैंज जो है वो रेल के साथ टकरा कर रेल को भी जो है नुकसान पहुँचाएगा और व्हील फ्लैंज भी हमारा ख़राब होगा। इसलिए हम बीच में से स्पेस प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारा जो व्हील फ्लैंज है वो एक दूरी मेंटेन कर रखे, जिसके साथ ही हमारी रेल को भी कोई नुकसान ना हो और हमारे व्हील ट्रेड के व्हील फ्लैंज को भी कोई नुकसान ना हो। थर्ड है प्रिवेंट स्लिपिंग। प्रिवेंट स्लिपिंग ऑफ व्हील टू सम एक्सटेंड इट क्रिएट बैलेंस बिटवीन द व्हील्स कनेक्टेड विद व्हील एक्सल। जो हमारे कोनिंग ऑफ व्हील्स है, कोनिंग ऑफ व्हील्स करने के बाद हमारे जो रोलिंग स्टॉक है उसको जे एक बैलेंस भी प्रोवाइड करता है, हमारा जो व्हील ट्रेड होते हैं वो कहीं स्लिप ना हो जाए ट्रैक से या रेल से, उसको भी ये इंश्योर करता है, इस तरह की जो सिचुएशन को है जो प्रिवेंट करता है, इसलिए हम कोनिंग ऑफ व्हील्स प्रोवाइड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। इससे रिगार्डिंगली अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जिसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। इस लेक्चर में यूज हुए सभी नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप उसे नोट्स को देख भी सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। रेलवे जीनी के सभी प्रीवियस लेक्चर्स को मिलाकर हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप हमारी सभी रेलवे जीनी से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टिल्टिंग ऑफ रेल्स के बारे में, जो कि काफ़ी सिमिलर है कोनिंग ऑफ रेल्स के साथ, तो उस लेक्चर को मिस ना करने के लिए और भी साथ सिविल इंजीनियर से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।